तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। तो आज की हमारी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टिकटॉक लाइट की और टिकटॉक की रेटिंग के बारे में। गाइस, तो आप इस वीडियो को गाइस पूरा देखना, और आपसे गुजारिश है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर ही देना। तो चलो अब हम रेटिंग पर नज़र डाल लेते हैं। तो जो कि हमारी टिकटॉक लाइट की रेटिंग है, फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारी टिकटॉक लाइट की रेटिंग है 1.1। ठीक है गाइस, 1.1 है टिकटॉक लाइट की रेटिंग। और मुझे फ़िलहाल पहले की रेटिंग का तो इतना नहीं मालूम क्योंकि मैं टिकटॉक लाइट को देखता भी नहीं हूँ, पर फिर भी अब मैंने थोड़े दिन पहले देखी थी रेटिंग, तो 2 थी इसकी रेटिंग। उससे पहले का मुझे नहीं मालूम, फिर भी 3-4 दिन पहले 2 थी इसकी रेटिंग, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और 1.1 पे आ गई है रेटिंग। तो ठीक है गाइस, तो टिकटॉक लाइट की हमने रेटिंग पे बात कर ली, और इसको अब भाई देखने से मालूम पड़ता है रेटिंग से कि भाई कितने सारे लोग इसे अनइंस्टॉल कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं और रेटिंग घटा रहे हैं। भाई हो सकता है ये भी बैन, टिकटॉक लाइट भी बैन होने के चांसेस हैं भाई फुल। अब हम हमारी टिकटॉक की रेटिंग की बात कर लेते हैं। जो टिकटॉक की हमारी अभी लेटेस्ट रेटिंग की जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो है 1.3। ठीक है, और अभी आज से भाई 10 या 15 दिन पहले जो इसकी रेटिंग थी वो थी 4.5। भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया टिकटॉक की रेटिंग में। ठीक है भाई, और अगर हम बात करें भाई तो पहले जो इसकी रेटिंग थी 4.5, फिर एक आध दो दिन में कम हो गई, इसकी 3.3 पे आ गई थी रेटिंग। ठीक है, फिर और फ़र्क शुरू हो गया आना, फिर धीरे धीरे 2 पर आ गई इसकी रेटिंग, फिर धीरे धीरे 2 से भाई अभी आप देख सकते हैं 1.3 हो चुकी है इसकी रेटिंग। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और भाई मामला पानी पूरा टिकटॉक का हुआ था, बट इसमें टिकटॉक और टिकटॉक लाइट दोनों को ही फ़र्क पड़ा है। आप सोच ही सकते हैं टिकटॉक को बहुत सारे लोग जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं और जो है रेटिंग घटा रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो यही थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करूँगा गाइस। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।